न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम में हुए 3 बड़े बदलाव। अब इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम को दिखाएगी दिन में तारे। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान टीम में हुए हैं कौन से बड़े बदलाव और कैसी है तीसरे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। अभी तक इस टी20 सीरीज के 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही मुकाबलों में पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि तीसरा टी20 मुकाबला 17 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके लिए पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम में 3 बड़े बदलाव किए हैं। इनमें से तीसरा बड़ा बदलाव अकेले दम पर न्यूजीलैंड टीम को धूल चटा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं 3 बड़े बदलाव के बारे में। पहले बड़े बदलाव की बात की जाए तो आजम खान की जगह मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। बात करें अगर दूसरे बड़े बदलाव की तो उसामा मीर की जगह सदाब खान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और बात करें अगर तीसरे और आखिरी सबसे बड़े बदलाव की तो आमिर जमाल की जगह मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसी है तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11। बाबर आजम कप्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सैम अय्यूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमन, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद आमिर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से होगी तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान की टीम तीसरा टी20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।